केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने घर आए हैं और उनसे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सांसद चुने गए हैं हरिद्वार से, काफी उम्मीदें लोग जता रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि अब सांसद बनने के बाद जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी, किस तरह से रहेगी? ये पहले तो हम सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संसद तक पहुंचाने का काम किया है। अभी हम अपने जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनसे बैठ करके परामर्श करके आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। लेकिन मोटा मोटे तौर पर जो मुझे मैं देखता हूँ तो हरिद्वार का नाम आते ही एक धार्मिक स्थान है, इस तरह की फीलिंग आती है। और तमाम जो हिंदू समाज है वो एक बार हर की पैड़ी पर आकर के गंगा जी में स्नान करना चाहता है। वो जो हमारे वहाँ पर तमाम देवस्थान हैं उनके दर्शन करना चाहता है। और यही स्थिति ऋषिकेश की है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं और वेल कनेक्टेड हैं। रेल से हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, सबसे जुड़े हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनकी जो धार्मिक महत्ता है वो अच्छी रहे, बनी रहे, अक्षुण बनी रहे। वहाँ पर जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं तो एक ट्रैफिक की वहाँ पर एक बड़ी समस्या होती है, कंजक्शन होता है। तो उसके लिए कुछ काम मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए किए हैं और आगे हम उसके लिए फिर और उस पर कैसे उसको और दुरुस्त किया जा सकता है आने वाले 50 सालों के लिए, उस पर हम उस पर काम करेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे देहरादून का हो या हरिद्वार का, उसमें हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं भी हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, सीपेट जैसे संस्थान हैं, एम्स है, जच्चा बच्चा कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज है, IIT है, ऐसे तमाम बड़े प्रेस्टिजियस संस्थान यहाँ पर हैं। तो उनके लिए क्या योगदान मैं कर सकता हूँ? और जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन के लिए मेरी कोशिश है कि जो CSR है उसमें तमाम कंपनियों से बातचीत करके और वहाँ के बच्चों को एक स्तरीय शिक्षा मिले। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन बच्चों के लिए एक कल्पना है कि उनके लिए हम कुछ बढ़िया ठोस कुछ कर पाए। हरिद्वार सिटी है, हजारों लाखों लोग आते हैं, तो वहाँ पर स्वच्छता के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? एक समानांतर व्यवस्था, गवर्नमेंट की तो अपनी व्यवस्था है लेकिन एक समानांतर व्यवस्था जन सहयोग से वहाँ पर स्थापित, ये मैं सोचता हूँ। किसानों की जो खेती है उसकी सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा, जंगली जानवरों से सुरक्षा और जल भराव और भू कटाव की जो समस्या है उससे वहाँ पर कैसे निदान उसका किया जाए, उस पर मैं काम करूँगा। किसान जो है खनन को लेकर भी काफी परेशान है, आपके पास भी आए। निश्चित रूप से किसान मेरे पास लगातार आ रहे हैं, वहाँ के वीडियो बनाकर भी मुझे भेजते हैं और कई जगहों पर उन्हें भी शिकायत करी कि हमारे खेत हैं गंगा जी के कटाव के कारण आज वो जल जल क्षेत्र बन गए हैं। नहीं, क्या इतना खनन हो गया है कि कटाव के खनन कारण? खनन नहीं, गंगा जी का जब बरसात में पानी बढ़ता है, सोलानी नदी में जब पानी बढ़ता है तो उसके कारण पानी का जो जो कटाव है और पानी का जो भराव है वो काफी आगे तक बढ़ जाता है। और जो खेत हैं वो खेत ऐसा लगता है कि जैसे नदी हो गई है या जलमग्न क्षेत्र जिसको हम कहते हैं या दरिया बुझ, उर्दू का एक शब्द है बोलते हैं, कैसे वहां की स्थिति हो जाती है। तो वहां पर जो तमाम जो खनन से जुड़े हुए व्यवसायी हैं या जो खनन माफिया उनको हम कहेंगे, जो जोर जबरदस्ती किसानों के साथ उनकी खेती को में खनन का काम करते हैं, मशीनें लगाकर बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर देते हैं, तो उस तरह की शिकायतें हमारे पास आई हैं, वीडियो भी आए हैं उनके।
तो मैंने उनसे उनको ये आश्वस्त किया है कि आपकी आवाज, आपका प्रतिनिधि आपकी आवाज बनेगा, और ये केवल किसान का नुकसान नहीं, ये हमारी, एक तो गंगा जी जो हमारी जीवन धारा है उनको भी नुकसान होता है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो एक प्रकृति ने एक इकोसिस्टम बनाया है, जिस जो हमारी पारस्परिक जो निर्भरता है, प्रकृति और मनुष्य, प्रकृति और प्राणी, तो ये हमारे एक आपसी इकोसिस्टम है, ये अगर डिस्टरबेंस होता है तो उसी से अनावृष्टि भी होगी, अतिवृष्टि भी होगी, ज्यादा गर्मी भी होगी, ज्यादा ठंडा भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिस्टम को भी हमको, वो बड़ी चीज है कि उस सिस्टम को हमको ठीक रखना है, और इसलिए हम उसके लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत पहले से पर्यावरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और मुख्यमंत्री रहते हुए हों या फिर एक साधारण कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता के नाते, मैंने लगातार इस पर, मुझे लगता है कि 35-40 साल से मैं लगातार काम इस पर कर रहा हूँ, तो मेरी एक उसकी विशेष अभिरुचि भी उसमें है, तो उसको सिस्टम ठीक बना रहे तो उसके लिए मैं काम करूँगा। मंगलौर, एक और बड़ी परीक्षा तो आपने पास कर ली है, एक छोटा टेस्ट कह सकते हैं, बायपोल्स। दो विधानसभाओं में चुनाव है, बद्रीनाथ और मंगलौर। अब मंगलौर जो है वो बीएसपी की सीट रही है, तो किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी कि इस बार ये सीट जो है भाजपा में आ जाए? देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, संगठन के दिशा निर्देश होंगे, अभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, कैंडिडेट भी डिक्लेयर होगा तो हम सब मिलजुल करके उसके लिए एक रणनीति बनाएंगे ताकि हम उस चुनाव को जीत सकें।